पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में 20 अगस्त से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जमीन सर्वे का काम किया जा रहा है। अब प्रदेश के 45,000 से ज्यादा गांवों में जमीन का सर्वे कराना है। ये शुरू तो हो गया, लेकिन लोगों को परेशानी हो रही है। इस बीच जमीन सर्वे को लेकर सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि इसे प्रदेश में कुछ महीनों के लिए टाला जा सकता है। इसको लेकर नीतीश सरकार बैकफुट पर जाती दिख रही है। बिहार में जमीन सर्वे को टालने पर विचार किया जा रहा है, या हो सकता है कि इसे वापस लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि कुछ फीडबैक मिले हैं, उसके आधार पर ये किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को फिलहाल इस सर्वेक्षण और प्रक्रिया के कारण काफी मुश्किल हो रही है। सरकार में शामिल प्रमुख घटक दल जदयू और बीजेपी के नेताओं का मानना है कि अगले साल 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जमीन सर्वे के चलते लाभ से ज्यादा नुकसान हो सकता है। यह सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। हालांकि अंतिम निर्णय सीएम नीतीश कुमार को ही लेना है। बता दें कि दरअसल राज्य सरकार ने जमीन से जुड़े विशेष सर्वेक्षण को इसलिए 20 अगस्त से शुरू किया था कि भूमि विवाद और हिंसा को प्रदेश में खत्म किया जा सके। अब सूत्रों के अनुसार बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता या मंत्री हो या फिर जदयू के नेता मंत्री हो, सभी ने नीतीश कुमार को इस कार्यक्रम से शुरू होने के बाद जनता की जो समस्या हो रही है उसे अवगत कराया है। एक तरह का आक्रोश भी है लोगों में, जिसके बारे में बताया गया है। अब फैसला नीतीश कुमार को करना है। हालांकि अभी तक इस पर आधिकारिक रूप से कोई बयान सामने नहीं आया है। बता दें कि जो सर्वे चल रहा है इसे लोगों सही तो मान रहे हैं, लेकिन इसको लेकर धरातल पर कोई चीज़ों में कमियां पाई जा रही हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर जमीन के रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने के चलते कई बार कोई भी प्रोजेक्ट हो हमेशा लेट हो जाता है। ऐसे में जमीन सर्वे के तहत कागजात को दुरुस्त किया जाना भी जरूरी है। गौरतलब हो कि आंध्र प्रदेश में जो जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी, तब उसने भी चुनावी साल में जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की मुहिम शुरू की थी। इसका काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक खामियाजा सत्ता से बाहर जाकर उठाना पड़ा था। ऐसे में बिहार की एनडीए सरकार उस गलती को दोहराना नहीं चाहती है। ऐसे में अब बिहार में फैसला कब होगा और कैसे होगा, ये सब कुछ नीतीश कुमार के ऊपर निर्भर करता है। देखने वाली बात होगी, क्या नीतीश कुमार इस जमीन सर्वेक्षण को काम को टालते हैं या फिर ये आगे बढ़ता जाता है। लोगों को इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। तमाम मंत्री और जो विधायक हैं, चाहे वो जदयू के हो या बीजेपी के हो, वो नीतीश कुमार को लगातार इस बात से अवगत करा रहे हैं। अब नीतीश कुमार पर पूरा फैसला निर्भर करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जमीन से जुड़ी खबरें आपको भारत लाइव पर मिलती रहेंगी। अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।